हमारे टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SHE भी लिखते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जब हमने एक मेटल स्ट्रिप को उसके अपने आयंस में रखा तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज थी या दो टेंडेंसीज थी या दो काम करने की एबिलिटी थी। एक वो इलेक्ट्रॉन दे सकती थी, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन ले सकती थी। अब ये तो एक मेटल की अपने साथ हमने देखा कि एबिलिटी है, लेकिन अगर हम यही एबिलिटी जिंक की किसी और के साथ रखना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रखे, तो हमें कोई कंपैरिजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक वेइंग एक स्केल ले लेता हूँ बैलेंस, एक तरफ मैं जिंक रखता हूँ, दूसरी तरफ मैं हाइड्रोजन रखता हूँ, एंड सेंटर में है इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन इसे अपनी तरफ खींचेगी या जिंक इसे अपनी तरफ खींचेगी, ये नेचुरल टेंडेंसी है दोनों की, और इस तरह हम ये टेंडेंसी कंपेयर करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल हमने एक एनिमेशन बनाई है। तो क्या करते हैं, जब हम देखते हैं हाइड्रोजन का कंपैरिजन जिंक के मुकाबले में, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अच्छा ये वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच रही है, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वो वाली एबिलिटी है। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और हाइड्रोजन उसे ले लेता है, तो कंपैरिजन अब हमने करना है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन हमारा स्टैंडर्ड है, और जिसकी भी हमने मालूम करनी होगी हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लेंगे और मालूम कर लेंगे कि इसकी जो है पोटेंशियल लेने की एबिलिटी ज़्यादा है या देने की एबिलिटी ज़्यादा है, और एग्जैक्टली कितनी एबिलिटी। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि जिंक गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, और किस पोटेंशियल से हाइड्रोजन लेता है, जिंक से हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेता है 0.76 वोल्ट की कैपेबिलिटी से। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे कि जिंक का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ई नॉट से लिखेंगे, और वो कहेंगे वो है -0.76 कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल आप ये देख लीजिए। अब यही कंपैरिजन अगर मैं कॉपर के साथ करूं, एक तरफ हाइड्रोजन रखूं, दूसरी तरफ कॉपर रखूं और बीच में इलेक्ट्रॉन हो, तो देखते हैं क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंगली इस केस में हाइड्रोजन कि इतनी एबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले, बल्कि हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है और कॉपर ले लेता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, कॉपर की तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हुआ कि कॉपर टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन विद 0.354 वोल्ट, और हम इसे लिखेंगे Cu, यानी कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ई नॉट, वो है 0.034, किसके कंपेरिजन में, कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब अगेन पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने ये सेटअप यूज किया था जहां पे हमने जिंक को एक जिंक के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, और फिर ये दो प्रोसेसेस हुए जहां हमने देखा एक प्रोसेस था जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी ज्यादा थी, दूसरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी हमने मेजर की या कंपेयर की। यही दो पॉसिबिलिटी है जिंक, जिंक क्या कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। तो यही एबिलिटी हम इस टॉपिक में एक जो डायग्राम दिखाई गई है आपको हाइड्रोजन के बारे में है। तो अगर हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो गैस से सॉल्यूशन में चला जाएगा, आपको पता है H2 गैस होती है, अब वो 2H+ और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन मौजूद होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और गैस बन के निकल जाएंगे, और उसके लिए इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम ये सेटअप यूज करते हैं। इस सेटअप में बेसिकली हम देखते हैं कि क्या है, ये सेटअप हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो तो इस कंपैरिजन के लिए हम हमारे पास देख सकते हैं क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें प्लेटिनम फॉइल हमने यूज की है, और बीकर में HCl का 1 मोलर सोल्यूशन लिया है। अब HCl का सोल्यूशन का क्या मतलब है, HCl सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास बीकर में H+ आयंस भी हैं एंड क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव आयंस भी हैं।
अब अगर प्लैटिनम फॉइल पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों तो क्या होगा? अवेलेबल होंगे तो हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं वो आएंगे, प्लैटिनम फॉइल से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और करने के बाद हाइड्रोजन गैस बना देंगे और वो गैस जो है हमारे इस वेंट से या इस सुराख से बाहर निकल जाएगी। ये तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वो पॉसिबिलिटी थी जब इलेक्ट्रॉन फॉइल पर मौजूद थे। अगर मौजूद ना होते तो उस सूरत में हमें इस सुराख में से हाइड्रोजन गैस अंदर डालनी पड़ती है। जब हम हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो वो इस प्लैटिनम वायर के पास आती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देती है। जब रिलीज कर देगी तो H+ आयंस बनाएगी। अब ये H+ आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारी इस वायर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो हमने ये सेटअप कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है। तो हम ये जो वायर है किसी दूसरे सेटअप के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस तरह हम दो चीज़ों की कंपैरिजन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कैपेबिलिटी। इस टॉपिक में तो हमने सिर्फ ये प्रोसेस डिस्क्राइब किया है कि होता है एग्जैक्टली क्या। नेक्स्ट टॉपिक में हम एग्जैक्टली मेजर करेंगे जिंक एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की एबिलिटी या कैपेबिलिटी क्या होती है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।